हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस परिवार में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम कोरिलेशन के 6 लेक्चर में बात करेंगे स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड भी एक मेथड होता है कोरिलेशन फाइंड करने का, ठीक है। स्कैटर डायग्राम एक ग्राफिकल मेथड होता है सहसंबंध ज्ञात करने का किसी भी दो दिए गए वेरिएबल्स के बीच में। कहने का मतलब यह है किसी भी दो दिए गए वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड करने का यह ग्राफिकल मेथड होता है स्कैटर डायग्राम मेथड, ठीक है स्टूडेंट। इस मेथड में हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, सिर्फ एक ग्राफ ड्रा करते हैं और उस ग्राफ के शेप के अकॉर्डिंग, उसके आकार के आधार पर हम ये पता लगाते हैं कि दोनों चरों के बीच में, दोनों वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का कोरिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो कोरिलेशन है, ठीक है। तो इस वाले मेथड में स्कैटर डायग्राम मेथड एक ग्राफिकल मेथड कहलाता है क्योंकि इसके ग्राफ के द्वारा विदाउट एनी कैलकुलेशन ओनली वी ड्रा अ ग्राफ और ग्राफ के आकार के आधार पर, उसका शेप कैसा बन रहा है, उसका आकार कैसा बन रहा है, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि दिए गए वेरिएबल्स में किस तरह का कोरिलेशन पाया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए, इट इज़ अ ग्राफिकल मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें और फर्स्ट टाइप का जो कोरिलेशन होता है वो है आपका फर्स्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब हमारा एक वेरिएबल इंक्रीज करने पर दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करता है तो पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। तो परफेक्ट कब कहेंगे, जब वह कोरिलेशन एक स्ट्रेट लाइन पे शो ऑफ हो सके, ठीक है। जैसे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स वेरिएबल मान लीजिए, इसे वाई वेरिएबल मान लीजिए। अब देखो जैसे जैसे ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो पहला डॉट इसका x का 1 है कोऑर्डिनेट, तो y का भी 1 है। सेकंड डॉट पे x का 2 कोऑर्डिनेट है तो y का भी 2 है। इसका 3 है तो y का भी 3 है। जैसे जैसे x का कोऑर्ड मतलब कि वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का भी वैल्यू बढ़ रहा है, जिसे हमने डॉट लाइन में, यहाँ डॉट में हमने क्या रिप्रेजेंट किया है। और जब इसे हम एक जो आपस में ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब वो परफेक्ट, ठीक है। और ये अपवर्ड में जा रहा है, मतलब कि फर्स्ट वेरिएबल के इंक्रीज़ करने पर सेकंड वेरिएबल भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसलिए इसका पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाएगा। और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में आर की वैल्यू प्लस 1 होता है। ऑल पॉइंट्स आर प्लॉटेड इन द शेप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व मूव अपवर्ड। कहने का मतलब ये है कि इसके सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो अगर हम प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, और जो कि उसका डायरेक्शन अपवर्ड होता है। इसलिए इस तरह के जो है फिगर जब हम बनता है किसी भी दो दिए गए वेरिएबल्स के बीच में, तो हम कहते हैं कि उसके बीच में पॉजिटिव, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट। आइए सेकेंड की बात करते हैं, परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जस्ट परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का अपोजिट होता है। इफ़ ऑल पॉइंट्स आर प्लॉटेड इन अ शेप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व मूव्ड डाउनवर्ड। देखिए इसमें भी वही है कि सारे जो हमारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन के शेप में होता है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम x एक्सिस दो वेरिएबल्स में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू घटता है, जस्ट अपोजिट जो होता है। अगर पहले का वैल्यू हम मिनिमम करते हैं तो दूसरे की वेरिएबल की वैल्यू जो है इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, इस ये डॉट है, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एक्स का सबसे मिनिमम 1 है, वाई का 6 है। इस डॉट का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का 2 है, वाई का 5 है। x का 3 है, y का 4 है। x का 4 है, y का 3 है। x का 5 है, y का 2 है, और x का 6 है, y का 1 है। और इसे हमने जब ज्वाइन कराते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है। इसलिए डाउनवर्ड हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट कब माना जाएगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन माना जाएगा। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का कोफिशियंट की वैल्यू होता है आर इक्वल टू -1।
अब हम बात करेंगे थर्ड स्टूडेंट जिसका नाम है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। व्हेन पॉइंट्स आर कंसंट्रेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड एंड द पॉइंट्स आर क्लोज्ड टू ईच अदर देन दिस टाइप ग्राफ इज कॉल्ड हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। आइए इसके ग्राफ की बात करते हैं स्टूडेंट। इसमें डायरेक्शन तो अपवर्ड होता है लेकिन जो उसके डॉट को हम प्लॉट करते हैं तो वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है, एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन बनाता है और इसके जो है डॉटेड आपस में बहुत ही नियर होते हैं। तो जो हमारा मेन स्ट्रेट लाइन होता है उसके या तो लेफ्ट या राइट मतलब आपस में थोड़ा आगे पीछे या ऊपर नीचे ही जो है डॉट प्लॉट होता है, बट एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनाता है, एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो जब एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन बने और डायरेक्शन उसका अपवर्ड हो तो इस तरह के ग्राफ को स्कैटर डायग्राम के अकॉर्डिंग बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। फोर्थ की बात करेंगे, फोर्थ टाइप ऑफ कोरिलेशन हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन पॉइंट्स आर कंसंट्रेटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड एंड द पॉइंट्स आर क्लोज्ड टू ईच अदर दैट टाइप ग्राफ इज कॉल्ड अकॉर्डिंग स्कैटर डायग्राम मैथड इज कॉल्ड हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा डायरेक्शन तो जो डाउनवर्ड हो और हमारे जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट हों बहुत ही आपस में नियर बाई प्लॉट हों बट एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा हो, एक से ज़्यादा स्ट्रेट लाइन बन रहा हो, तो इस तरह के ग्राफ को हम कहेंगे हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। सेकेंड लास्ट टाइप है स्टूडेंट लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन में जब डायरेक्शन तो हमारा अपवर्ड हो, कहने का मतलब है कि एक वेरिएबल को इंक्रीज करने पर दूसरा हो रहा हो लेकिन उसके जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हों और एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा हो, तो इस तरह का जो ग्राफ बनता है उसे हम लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए इसके नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप का नाम है लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, इसमें स्टूडेंट क्या है कि हमारा जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी दूर दूर हों और एक सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा हो और डायरेक्शन हमारा डाउनवर्ड हो, कहने का मतलब है कि अगर एक के वेरिएबल की वैल्यू बढ़ाने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू घट रहा हो या पहले वेरिएबल की वैल्यू को घटाने पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रहा हो, तो इस तरह के कोरिलेशन को, इस तरह के ग्राफ को स्कैटर डायग्राम के अकॉर्डिंग बोलते हैं लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। एंड लास्ट टाइप है अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन और नो कोरिलेशन, या इसे कह सकते हैं ज़ीरो कोरिलेशन। जब हम पॉइंट्स को, वेरिएबल्स के पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करें तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ बने, मींस कि इसमें ना तो कोई डायरेक्शन दिख रहा हो कि अपवर्ड जो है डायरेक्शन है या डाउनवर्ड डायरेक्शन है, या ना ही कोई स्ट्रेट लाइन बन रहा हो और इसके पॉइंट्स आपस में बिखरे हों, कोई भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा हो, तो हम कहेंगे कि इस तरह के ग्राफ को देख करके कि इसमें अब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है मतलब कोरिलेशन नहीं है, या नो कोरिलेशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि दोनों वेरिएबल के बीच में कोई सहसंबंध नहीं है या ज़ीरो कोरिलेशन है। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, इससे हम ड्रा करके दिखाएंगे और कैसे हम आपको दिखाएंगे कैसे हम फाइंड आउट करते हैं कि किसी भी दिए गए ग्राफ में हम किसी भी दिए गए प्रॉब्लम में हम स्कैटर डायग्राम के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसमें कौन सा किस तरह का कोरिलेशन है। प्रॉब्लम फर्स्ट, गिवन हियर ड्रा अ स्कैटर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग एंड इंडिकेट द कोरिलेशन इज पॉजिटिव आर नेगेटिव। एंड वेरिएबल्स दिए गए हैं एक्स और वाई, और एक्स का कोऑर्डिनेट है 10, 20, 30, 40, 50, वाई का कोऑर्डिनेट है 20, 40, 60, 80 एंड 100। सबसे पहले हम इसे टू डायमेंशन में इसे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट। कैसे ड्रॉ करेंगे आइए देखते हैं। पहले हम दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे एक्स वेरिएबल के कोऑर्डिनेट को, वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे वाई वेरिएबल के कोफिशियंट को। तो एक्स का क्या है 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो हम इक्वल डिस्टेंस लेकर 10, 20, 30, 40
एंड 50 कर दिया। वाई वेरिएबल का वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया 20, 40, 60, 80 एंड 100। अब हम क्या करेंगे, 10 पर वाई की वैल्यू क्या है 20, तो 10 को सीधा स्ट्रेट ले जाएंगे वाई और 20 को हॉरिजॉन्टल लाएंगे और दोनों जहाँ पे मीट कर वहाँ पर डॉट लगा दिया। ऐसे ही 20 से वर्टिकल ऊपर जाएंगे और 40 से हॉरिजॉन्टल आएंगे, दोनों जहाँ आपस मीट कर रहा है वो सेकंड डॉट हो जाएगा। ऐसे थर्ड डॉट, फोर्थ डॉट, फिफ्थ डॉट को बनाएंगे और इसको जब एक स्ट्रेट इसको ज्वाइन करेंगे तो देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है और इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वाई की वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इट हैव परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट मीन्स आर इक्वल टू, कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा आर इक्वल टू प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन पे होगा स्टूडेंट, देखिए आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, ड्रा अ स्केलर डायग्राम, स्कैटर डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल एंड इंडिकेट वेदर द कोरिलेशन इज पॉजिटिव और निगेटिव एंड डेटा आर, एक्स वेरिएबल है 10, 20, 30, 40, 50, वाई है 100, 80, 60, 40 एंड 20। अब इसका डायग्राम ड्रा करेंगे स्टूडेंट, आइए इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम दो एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे इसके कोऑर्डिनेट को 10, 20, 30, 40, 50, वाई एक्सिस पर 20, 40, 60, 80 एंड 100 करेंगे। अब एक्स के 10 पर वाई की वैल्यू है 100, तो एक्स के 10 से सीधा वर्टिकल ऊपर जाएंगे और वाई से हॉरिजॉन्टल आएंगे, तो यहाँ पे डॉट आपस में मीट कर रहा है। 20 से सीधा वर्टिकल ऊपर जाएंगे और 80 से हॉरिजॉन्टल आएंगे, यहाँ पे डॉट हो रहा है, अगला डॉट यहाँ बन रहा है, अगला डॉट यहाँ बन रहा है, अगला डॉट यहाँ बन रहा है, इसे जब आपस में मीट कराएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू को, इसमें क्या है, जब एक्स की वैल्यू कम है तो वाई की वैल्यू ज़्यादा है, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है वैसे वाई की वैल्यू क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, तो इसका डाउनवर्ड इसका डायरेक्शन है और एक स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है। इट मीन्स ये परफेक्ट निगेटिव कोरिलेशन होगा इसमें, एंड दैट मीन्स कोफिशियंट ऑफ कोरिलेशन आर की वैल्यू हो जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में, कोरिलेशन के लेक्चर 6 में हमने डिस्कस किया आपके सामने स्केटर डायग्राम मैथड। स्केटर डायग्राम मेथड एक बार फिर से आपको रिकॉल कर दे रहे हैं कि ये ग्राफिकल मेथड होता है, किसी भी दो दिए गए वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन फाइंड करने का एक मेथड होता है, जो ग्राफ के जरिए ये बताता है कि उन दोनों वेरिएबल्स के बीच में किस तरह का कोरिलेशन पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।